चलो फिलहाल हम लोग रायपुर पहुंच चुके हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है तेली बांदा तालाब, यहाँ रायपुर का मोमो, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है दार्जिलिंग वाले मोमो। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और दबाओ घंटे को ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिले। Hey guys, एप्लीकेशन जो कि है नागपुरी का, जो कि नागपुरी गाना जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हो कोई सा भी सॉन्ग को और प्ले कर सकते हो। Guys, this is Vinay, welcome to my channel. तो आज फिलहाल एडमिशन के लिए जाना है, मतलब बीएड का भिलाई में, ठीक है। तो भिलाई पहुंचने में हमें यहाँ से घरगोड़ा से 300 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 300 किलोमीटर का सफ़र करना है। तो चलो दिखाते हैं कितने घंटे में पहुँचते हैं और कैसा रास्ता है और कैसा सफ़र है, ठीक है। तो फिलहाल कुछ खास तो नहीं, बट चलो सफ़र दिखाना है कि आज भिलाई जाना है 300 किलोमीटर रायपुर से आगे। तो चलो वहाँ का सफ़र फिलहाल रेडी हो चुके हैं, अब निकलते हैं। सुबह का अभी हो रहा है टाइम 7 बजे निकल रहे हैं अब यहाँ से रायगढ़, रायगढ़ से फिर बिलासपुर होते हुए फिर। रूट में जाते तो 300 किलोमीटर था घरगोड़ा से, लेकिन रायगढ़ आ गया हूँ। अब रायगढ़ से जाएंगे तो यहाँ से 290 किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो चलो यहाँ से 290 किलोमीटर और जाना है। रायगढ़ से रायपुर 200 किलोमीटर में तो रोड अच्छा है फिलहाल, तो देखते हैं रोड जहाँ तक अच्छा रहा उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी बीच बीच में रास्ता चंद्रपुर वाला रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा खराब। रायपुर पहुंचने से पहले अभी यहाँ से 100 किलोमीटर बचा हुआ है रायपुर, फिलहाल रेड बुल थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, ऊपर से प्यास लगी थी तो थोड़ा सा रुक गया। और 100 किलोमीटर और है रायपुर, उसके बाद में तो भिलाई भी जाना है। रायपुर में दो लोग और हैं उनके साथ में जाना है, मतलब हम लोग चार लोग हैं, दो लोग पहले पहुँच चुके हैं, दो लोग हम लोग बाद में पहुँच रहे हैं। रोड काफ़ी प्यारा है ये वाला रोड, फिलहाल स्पीड में जा सकते हैं, मज़ा आ रहा चलाने में। बाकी चलो 100 किलोमीटर और उसके बाद में रायपुर, उसके बाद में आगे का दिखाते हैं फिलहाल। चलो Lands through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands through the highways and on. भिलाई 34 किलोमीटर के आसपास है, 40 के आसपास में। और रोड देखो तो पूरा हाईवे रोड है बस, मतलब गाड़ियां बहुत चलती है, मतलब भिलाई पहुंचने के लिए ये पूरा हाईवे क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ये देखो पूरा का पूरा। चलो और 10 किलोमीटर और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग भिलाई पहुंच जाएंगे, उसके बाद कॉलेज पहुंचते हैं। फिलहाल एडमिशन हो गया है, तो चलो यहाँ तक था हमारा कॉलेज का एडमिशन हो गया है। बड़ी मुश्किल से बाद अभी 5 बजे नाश्ता कर रहे हैं, दिन भर भूखे है ना, पानी तक नहीं पिए भाई, पानी तक नहीं पिए थे। फिलहाल एक दिन में काम हो गया है, बाकी थोड़ा बहुत काम के लिए फिर से आना पड़ेगा फिलहाल। चलो फिलहाल हम लोग रायपुर पहुंच चुके हैं, ये है रायपुरा चौक, यहाँ से अपना चंदू भाई आएगा तो जाएंगे जहाँ रुकना है, उसके बाद में कल जो भी होता है या फिर अभी रात को घूमने जाएंगे, यहाँ का मरीन ड्राइव घूमने का प्लान है।
फिलहाल सिटी बहुत बड़ा है, बहुत चला चला के आज दिन भर का सफ़र, और फिलहाल तो बहुत बड़ा सिटी है, पूरा भरा भरा यार, मतलब रायगढ़ से भी और भरा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भरे भरे। इससे अच्छा भिलाई ठीक है, खाली खाली वहाँ पे रहेंगे भिलाई अपना कॉलेज। हमारा चंदू भाई हमका दोस्त अब रायपुर आ चुके हैं, तो कम से कम मरीन ड्राइव घूम के जाते हैं। यहाँ का मरीन ड्राइव बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा है। चलो यहाँ के दोस्तों के साथ में थोड़ा सा, और यहाँ पे जो पेट्रोल टंकी बस में ये लाइट है, मस्त दिख रही है। इधर कोपरो वाले भैया जी, इधर चलो मरीन ड्राइव घूम के आते हैं। कटोरा तालाब सिविल लाइन, मरीन ड्राइव रायपुर का तेली बांधा तालाब, पीछे वाला सीन। रायगढ़ में नदी किनारे में मरीन ड्राइव है, यहाँ पे तालाब है, वहाँ पे लिखा हुआ है तेली बांधा तालाब, वो प्यारा सा लग रहा है। चलो 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 चलो, तेली बांधा तालाब क्या बात है, मस्त प्यारा लग रहा है। सेल्फी में अच्छा नहीं आएगा, और ये तालाब है रायपुर का, सिर्फ यही वो जगह है जहाँ पे शांति मिल सकती है, ये तालाब जहाँ की सुनसान, ज़्यादा लोग आना जाना नहीं करते हैं, जहाँ से पूरा सिटी दिखता है, और फिलहाल शांति शांति, जब शांत माहौल चाहिए तो फिर यही जगह आ सकते हैं। ये वाला प्यारा सा वहाँ का व्यू, ये कोई मेरा स्टेटस बना रहा है इधर, यहाँ पे झंडा बड़ा सा लगा हुआ है, मस्त लग रहा है, देखो प्यारा सा, वाओ बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला, देखो बहुत ऊंचाई में है और बड़ा सा है, छोटा लग रहा होगा बट बहुत हाइट पे है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और इधर ये वाला तालाब, किनारे किनारे में लाइट लगा है, बहुत साइन कर रहा है, और उधर सिटी का मेन रोड वहाँ पे, यहाँ रायपुर का मोमो, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है दार्जिलिंग वाले मोमो, मोमोज यहाँ का, दार्जिलिंग वाला मोमो, एक फ्राइड और एक नॉन फ्राइड। ये यहाँ का घड़ी चौक, राजश्री पान पराग, और यहाँ सिग्नल, यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है, मस्त है ना, वाओ। ये वाले चौक पे वहाँ एक ऐड चल रहा है बिना साउंड वाला, गाना चला देते हैं। हाँ यहाँ भाई लोग अभी वो बना रहे हैं ऑमलेट, ऑमलेट बना रहे हैं भाई वहाँ पे तवा में, उधर बन रहा है चावल। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और